साथ ही आपको बता दें कि जो बंगाली समाज है वहाँ की जो महिलाएं होती हैं माँ को सिंदूर लगाकर मंगल कामना करती हैं। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जो बंगाली महिलाएं होती हैं वो सिंदूर खेले का भी आयोजन करती हैं और साथ ही किस हर्षोल्लास के साथ जो ये कार्यक्रम होता है इसको मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसका जायज़ा लिया है हमारी संवाददाता रश्मि अग्रवाल ने, आइए आपको दिखाते हैं। खड़े हैं रेड पार्क सोसाइटी में जहां हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और इस साल भी दुर्गा पूजा का आयोजन इस सोसाइटी में बहुत ही उत्साह और मंगल के साथ किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे माँ दुर्गा की प्रतिमा है और कैसे भक्तगण महिलाएं माँ दुर्गा को सिंदूर लगा के माँ की विदाई की तैयारी कर रही है। नवरात्र के बाद माँ दुर्गा की विदाई का समय आ जाता है, आंखों में आंसू लिए सभी भक्त माँ की विदाई की तैयारी करते हैं, लेकिन इससे पहले खास तौर पर बंगाली समाज की महिलाएं माँ को सिंदूर लगाकर मंगल कामना करती हैं और विवाहित महिलाएं एक दूसरों को सिंदूर लगाकर बुराई पे अच्छाई की जीत की बधाई देती है। इस पावन पर्व पर खास तौर पर माँ दुर्गा को पान और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। पान और मिठाइयों का भोग लगाकर सभी भक्तगण माँ से मनोकामना करते हैं कि उनके परिवार पे आने वाला हर कर्ज माँ पहले से ही हर ले। इस माहौल में हर तरफ उड़ता सिंदूर माहौल को और भक्तिमय बना देता है। जैसे कि मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जहाँ पे सिंदूर खेला बड़े ही धूमधाम के साथ हो रहा है, आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सिंदूर खेला कैसे होता है और क्यों होता है और बंगाली रीति के हिसाब से माँ की आराधना कैसे की जाती है। शुभ विजयदशमी मैम, आपका शुभ नाम? लिपिका। लिपिका जी, आप हमें बताइए माँ दुर्गा की आराधना, माँ की विदाई के समय जो सिंदूर खेला होता है ये क्यों होता है और कैसे खेला जाता है? एक्चुअली एज अ बंगाली माता को हम बेटी की तरह लाते हैं यहाँ पे एक्चुअली, तो उनको जब विदा भी करते हैं ना तो उनको अच्छे से, मतलब जैसे बेटी विदा होती है एक साल बाद फिर से वो हमारे यहाँ पे आएगी तो अच्छे से विदा करते हैं। हाँ, जैसे माँ विदाई होते हैं, बेटियाँ जब ससुराल जाती हैं हम सिंदूर देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पानी पिला के अच्छे सुहा के, और सिंदूर लगाने के बाद जितने जी सुहागन आप देखोगे फिर आप सिंदूर पहनाते जाओगे। बंगाली रीति के हिसाब से माँ की आराधना कैसे की जाती है? सदा सुहागन रहो की आशीर्वाद देते, इसी की माध्यम में हमें सदा सुहागन की आशीर्वाद देते हैं इसी रूप में। नेक्स्ट ईयर फिर विदाई का बाद अगले समय जैसे हम विदाई होता है अगले बार फिर से इसी टाइप से यहाँ पे आए घर, जैसे माँ के घर फिर से हम वेलकम करेंगे और फिर से उनको बुलाएंगे। हम लोग का जो होता है अष्टमी के दिन मेन होता है कुमारी पूजा होती है, कुमारी को पूजा किया जाती है। षष्ठी के दिन हम लोग माँ को वरण करके रहते हैं, फिर हम लोग का बेल षष्ठी होते हैं, सुबह बेल षष्ठी होती है, शाम को माँ की वरण होती है, फिर धनौची डांस होती है, सप्तमी के दिन पुष्पांजलि होती है, अष्टमी के दिन हम लोग का कुमारी पूजा होती है, फिर खिचड़ी का भोग लगती है, मेन हम लोग का खिचड़ी का भोग, उसके साथ पाँच रकम की फ्राई होता है, अन्नभोग होता है, अन्नभोग होता है जिसमें पांच टाइप की सब्जी होंगे और एक एक दिन की अलग टाइप की, शाम के मिठाई पूरी ये सब शाम के भोग भी लग जाते हैं। एक्चुअली माँ मतलब हमारी घर की लड़की, हमारी घर घर में एक साल में एक बार ही आते हैं, चार दिन के लिए आते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से उनको जितना कुछ कर सकते, जैसे बेटी विदा होकर ससुराल जाते हैं उसके बाद घर पर आते हैं तो जितना हम लोग प्यार से रखते हैं उनको एकदम हर चीज़ सुनना पड़ता है, एकदम माँ को उस तरीके से रखते हैं हम लोग, माँ की पूजा होती है। तो ये थी, हमने कुछ भक्तगण महिलाओं से बात की और उन्होंने हमें बताया कि माँ की भक्ति पूजा अर्चना कैसे की जाती है। हमारे साथ कुछ पुरुष भक्तगण भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि माँ की अर्चना वो कैसे करते हैं। आपका शुभ नाम? सचिन। सचिन जी, मैं जैसे कि देख रही हूँ आपने अपने कान में कुछ लगा रखा है, आई थिंक धूप, तो इसकी दुर्गा पूजा में क्या मान्यता है और ये क्यों लगाते हैं? ये हम लोग 9 दिन तक दशहरे में 9 दिन तक हम लोग जौ को पूजते हैं और 10 दिन के बाद जब जौ निकलता है तो उसको हम लोग श्रद्धा पूर्वक लगा मान्यता नियम है हमारा, मतलब वो श्रद्धा है कि दशहरे के दिन इस जौ को लगाना जरूरी है। तो ये थी पुरुषों की, अब बारी आती है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की जो कि काफ़ी उत्साह के साथ दुर्गा पूजा का उत्सव मनाते हैं। अब हम इन बच्चों से भी जानेंगे कि ये दुर्गा पूजा को कैसे मनाते हैं और क्या सोचते हैं। बेटे अपना नाम बताइएगा। विशाल। विशाल, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। कौन सी?
3। ओके विशाल, आप मुझे बताना, दुर्गा पूजा आप मनाते हो? हाँ। अच्छा, तो माँ दुर्गा से आप क्या प्रार्थना करते हैं? मैं हम मेरे को आशीर्वाद दे। ओके, आप माँ दुर्गा से ये नहीं बोलते कि मुझे बुद्धि दे ताकि मैं बड़ा होके कोई डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ? नहीं, क्यों, आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते? बनना चाहता हूँ। अच्छा, आप बताओ बेटे, क्या बनना चाहते हो? दुर्गा माँ से आपने आशीर्वाद मांगा? हाँ। क्या मांगा? कि मैं बड़ा होके इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि औरतों पुरुषों के साथ साथ बच्चों में भी दुर्गा पूजा का खासा उत्साह देखा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा नवरात्रों के दिन अपने मायके आती है, अपने पूरे परिवार के साथ, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश और माँ सरस्वती के साथ अपने मायके आती है और विजयदशमी के दिन सिंदूर लगा के उनकी ससुराल वापस विदाई की जाती है। और विदाई के समय हम सभी भक्तगण ये प्रार्थना करते हैं कि अगले साल फिर माँ दुर्गा आए और सुख समृद्धि और विश्व शांति लेके आए। सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से सभी दर्शकों को सुबह विजयदशमी। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ रश्मि अग्रवाल, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा। तो देखा आपने किस तरीके से जो बंगाली महिलाएं हैं वो सिंदूर खेले कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया, जो मूर्ति विसर्जन होगा उसके बाद बड़े ही धूमधाम से, उससे पहले ये खेल खेला जाता है बड़े श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ। जो भक्त हैं माँ को विदाई दे रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि माँ अगली बार आप जल्दी हमारे घर